ओए ब्रेन, सब ठीक है ना? चुप करो, वो सो रहा है। तो क्या ब्रेन काम नहीं कर रहा या फिर वो अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है? मुझे नहीं पता, तुम ही तो कहते हो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ठीक है, प्लान बी। डॉक्टर, चिल्ला क्यों रहे हो? अब क्या हो गया लिवर? वीडियो का टाइटल तो पढ़ो। खैर, हमारे सोने के दौरान ब्रेन डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। उनमें से एक स्टेज है रैपिड आई मूवमेंट या फिर REM स्लीप। इस स्टेज में हमारा ब्रेन वैसी ही एक्टिविटीज करता है जैसे वो जागते हुए करता है। वाह, सुनने में तो मजेदार लग रहा है। हाँ, लेकिन इस दौरान ब्रेन एक्टिव रहता है, इसलिए हमारी बॉडी NREM स्लीप जितना खुद को रिपेयर नहीं कर पाती। अब ये NREM क्या है? क्या इसका मतलब है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अरे वाह, तुम्हें मिलता है गोल्डन स्टार। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। NREM स्लीप के दौरान ब्रेन की एक्टिविटी धीमी हो जाती है, जिस कारण हमारी बॉडी को खुद को रिस्टोर और रिपेयर करने का मौका मिलता है। तो हम सिर्फ बॉडी को रिपेयर करने के लिए सोते हैं? नहीं, बल्कि ये ब्रेन ही है जिसे नींद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सोने के दौरान ब्रेन न्यूरल कनेक्शन मजबूत करता है, यादों को इकट्ठा करता है और वेस्ट से छुटकारा पाता है। वेस्ट? क्या ब्रेन में भी वेस्ट होता है? मैं अकेला नहीं हूँ। एक पूरा सिस्टम है जो ब्रेन को साफ करता है। हम सोए नहीं तो क्या होगा? खैर, अगर हम सोए नहीं तो हमें गुस्सा आएगा और हम बाकी दही मत करो और सोने दो मुझे। हाँ, मुझे जवाब मिल गया। सोने से पहले सब्सक्राइब करो ना।